आप देख रहे हैं खबर आजमा टीवी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं खबर आजमा टीवी। बेटा अच्छा 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 लिस्ट आ गई है। गुड 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 गुड। अंकल अनार किस तरह की है? अनार बेटा 150 रुपए मिल जाएंगे आपको। ठीक है अंकल। ठीक है, इस लिस्ट के मुताबिक सामान दे दूं आपको मैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। अनार कैसे लगा? अनार भाई 250 रुपए महंगा तो है, लेकिन चीज भी तो अच्छी है ना। चीज तो अच्छी है, 200 रुपए का आम मिलता है। आम और खास में कोई चीज थोड़ा सा फर्क होता है लाला जी, तो माशाल्लाह चीज देखें आप। सेब कैसे लगा? ये सेब ये 350 रुपए भाई, अच्छी चीज है ना। 250 रुपए हर जगह में मिलता है, हर जगह मिलता होगा, लेकिन ये चीज नहीं है। चीज देखो देखो, मुंह में पानी आ जाएगा, देखें आप। अल्लाह तेरा शुक्र है, आज का दिन भी तूने मेरे मालिक अच्छा निकाल दिया है, अब शाम भी अच्छी हो जाए तो करम हो जाए मेरे मालिक तेरा, तो और क्या चाहिए हमें हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वालेकुम सलाम जी, बेटा कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा ये 150 रुपए की मिल जाएंगे आपको। हाँ जी अंकल, ये बेटा ये 100 रुपए मिल जाएंगे आपको। जी ये इस पे सारा लिखा हुआ है। गुड 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 गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया बेटा। ओके ये ठीक है बेटा, ये अच्छा है ना, प्यारा है। ये इसको साइड में रख देते हैं, और ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है ना, है। हाँ 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 हाँ, ये भी आपके लिए हो गया। तो भाई मेरी बात सुनो जी, मुझे इतने महंगे सेब देते हो और ये अभी इतने सस्ते इस बच्चे को सेब दे रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है? आपको किस तरह दिया है मैंने? मुझे आपने 300 रुपए सेब लगाए हैं, तो है 300, रेट ही 300 है, अभी आप 250 के दे रहे हो बच्चे को। यार बच्चे के साथ मेरा और मामला है ना, और क्या मसला है? नहीं मैं पैसे आपको नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने आप, मैं बच्चे को फ्री दूं, पैसे लूं ना लूं, ये मेरा और बच्चे का मामला है, आपके तो कोई टेंशन नहीं है ना। नहीं मैंने तो पैसे दिए ना भाई, मैंने तो आपको चीज मिल गई है ना भाई, मेरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं भाई जान? आप बच्चे को सस्ता दे रहे हो, आप अपने ग्राहक को दूसरे ग्राहक को सस्ता दे रहे हो, एक मुझे आप महंगा दे रहे हो, तो ये कौन सा इंसाफ है? ये क्या तरीका है? ये इंसाफ की बात को छोड़ दें आप, ये मेरा और बच्चे का मामला है भाई। क्या मामला है आपका? आपका क्या मेरा और आपका मामला नहीं है? मैंने पैसे नहीं दिए, ये मामला नहीं है। नहीं आप पैसों वाला मामला नहीं है आप भाई, मेरे समझ नहीं रहे, झगड़ा ना करें, मैं काम का टाइम, मैं झगड़ा क्यों ना करूं भाई, मेरे पैसे हराम के हैं कोई? भाई ये अनार बच्चे के लिए 150, मेरे लिए 200, और सेब बच्चे के लिए 250, मेरे लिए 300, ये केला बच्चे के लिए 100, मेरे लिए 150, ये कौन सा तरीका है ये? ओए यार जो मर्जी तरीका हो, आपको क्या मसला है? ये मसला मुझे मामला है, मसला है क्या मसला है? मैंने पैसे नहीं दिए। आपने पैसे दिए तो आपको चीज मिल गई है ना? वो चीज मिल गई है, महंगी मिल गई है ना मुझे चीज। मैं तो मजदूरी करके कमा के मैं आपको ला के आप सेब ले रहा हूँ आपसे, आप हो गए यार, आप मुझे इतने महंगे सेब दे रहे हो, कौन सा इंसान, कौन सा तरीका है ये? यार आपको नहीं पता तो ये कोई बात, पर्दे में तो पर्दे में रहने दे प्लीज। नहीं पर्दे में क्या, ये सेब पर्दे में है? मेरी बात सुने, ये मेरा और बच्चे का मामला है, आप इसमें ना पड़े। आपको जो मेरी मिल गई है तो फिर क्या मसला है? मेरी बात सुनो, ये बच्चे का और आपका मामला क्या है? मैं अभी पुलिस को कॉल करूं? नहीं मुझे पुलिस को फोन करने लगे हैं आप, तो जाहिर है मैं पुलिस को कॉल करूंगा ना, तुम जैसे इंसान को जो बच्चे को। यार ये मुझे गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? अब मुझे बताना पड़ेगा। मुझे एक मिनट मेरी बात सुने, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये हमारे भाई हमारे दोस्त अली मुर्तजा का बच्चा है, वो शहीद हो गया है बॉर्डर पे, वो हमारे लिए शहीद हुआ है, हमारी माओ बहनों के लिए शहीद हुआ है, समझ आई आपको? वो हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं, तो हम उनके लिए उनकी फैमिली के साथ इतना तावन भी नहीं कर सकते हैं कि खरीदो खरीद पे इनको सामान दे सके? प्रॉफिट नहीं लगा रहा मैं इसके साथ, मेरा इसके साथ ये ताल्लुक है। कैप्टन अली मुर्तजा को नहीं जानते आप? ये उसका बच्चा है, जानता हूँ, हमारा हक बनता है इनके साथ तावन करना। खरीदो खरीद पे भाई मेरे, मैं इसको सामान दे रहा हूँ। वो तो हमारे मुल्क की शान थी, वो हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क के लिए अपने जानों के नजराने पेश कर दिए। बच्चा बच्चा एक शहीद का बेटा। जी जी, इसी वजह से मैं इसके साथ खसूसी तावन करता हूँ कि खरीदो खरीद पे चीज देता हूँ, बस यही ताल्लुक है मेरा इस बच्चे के साथ, और कोई भी नहीं है। सॉरी यार मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। हमें मुल्क के लिए जितने भी शहदा हैं उनकी बेवाओं के और उनके बच्चों का ख्याल करना चाहिए,
भरपूर तावन करना चाहिए जिन्होंने हमारे मुल्क की खातर हमारी खातर अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो हमें इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, हम सब मिलके। जितनी भी जंगें हुई उनमें जो शहदा शहीद हुए उनके तमाम जो फैमिली के बेवा और उन बच्चों की, एक यही बच्चा नहीं तमाम बच्चे उनका एहसास करना चाहिए, एहसास करना चाहिए ताकि हमारी फैमिली की तरह ये बच्चे भी ये बेवाएं भी अच्छी जिंदगी गुजारें, माशरे में अच्छा मकाम पैदा करें अपना। ऐसे ये फिर से आर्मी में जाएगा इंशाल्लाह, हमारे मुल्क की खिदमत करेगा, हमारे मुल्क की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।